So okay, you want me to go through it once again? Yeah, BM. So BM will have 4 employees under it. Employees. So total team kitni ki hui BM ke? No, they can see what typically they have to do is that is up to you how you want your employees to work. Basically, that 5% passive income has to go to you because you are the manager. You are managing. So that 5% passive income comes to you. You can ask your employees to manage the EC and unke employees. So that's not an issue. आप अगर उनको सैलरी दे रहे हो तो आप उनसे काम करवाओगे. अगर आप खुद ही सब कुछ करोगे तो फिर वो बिजनेस कैसे होगा? या नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई हैव गॉट योर नर्व. इनफैक्ट द टीम इज आल्सो देयर. आप एक बार बीएम वाले मॉडल को अगर दोबारा समझना चाहो, मैं आपको दोबारा से समझा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बीएम का बेसिकली क्या है, बीएम अपने नीचे ईसीज रखता है, ईसीज को मैनेज करता है. अपने साथ वो एम्प्लॉयज रखता है, अपने नीचे वो ईसी रखता है. उसको मैनेज किसको कर रहे हैं, ईसीज को. अब वो ईसीज को मैनेज या तो वो खुद कर ले क्योंकि आइडियली उसके नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज को भी बोल सकता है कि यार सारा काम मैं क्यों करूं, तुम मेरे ईसीज को मैनेज करो. लेकिन जो परसेंटेज मार्जिन है वो बेसिकली बीएम को अपनी कंपनी में मिलेगा, वो अपने पास मिलेगा. इफ यू वॉन्ट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट 5% ऑल्सो विद इन योर एम्प्लॉयज, बट यू आर ऑलरेडी पेइंग योर एम्प्लॉयज 30,000 सैलरी. Yeah, of course, employee has to do it. Why are we paying him 30,000 rupees? Does it have to work? Yes, of course. Yeah, now I'll let you. Now I'll let you. Okay, so now let's talk about the RM position. RM pe sabse pehle difference, your percentage margin is high. It is 55%. Ek hi position hoti hai strict mein. You cannot have 2 RMs, you can have 2 BMs, but you cannot have 2 RMs. Likewise, you can have 6 ECs, but you cannot have more than 2 BMs. Okay. आरएम की टीम में कितने लोग थे? टीम में एम्प्लॉयज कितने हायर कर रहा था वो? हाँ, वो तो बीएम कर रहा था. तो टोटल कितने मेंबर्स की टीम हो गई? 9. अगर एक 2 लाख का बिजनेस करता है तो 9 लोग कितने का बिजनेस कर रहे हैं? 18 लाख. 55% ऑफ 18 लाख कितना होगा? 9 लाख, 10 लाख. अच्छा चलो हम मोर देन मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है. अच्छा अब 8, अगर 8 एम्प्लॉयज है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको. मेरे को ये लग रहा था कि आप लोग सो ना जाओ. अच्छा अब 9 लोगों की लीड कॉस्ट पे आपको 54,000 का खर्चा होगा, क्योंकि एक की लीड कॉस्ट 6,000 थी. अब तो 9 लोग हैं तो 54,000, 6 into 9, 6,000 into 9 or 9 into 6,000, 54,000. अब 8 लोगों को सैलरी भी देनी है, 25,000 अगर 8 लोगों को दोगे तो 2 लाख तो सैलरी हो गई, मान रहे हो. 30,000 दोगे तो 2,40,000 सैलरी हो गई, तो 2,40,000 तो सैलरी दे रहे हो, ठीक है. एनीवेज सो 9,90,000 हुआ 55% ऑफ 18 लाख. उसमें से आप एम्प्लॉयज की सैलरी माइनस करते हो, उसमें से आप लीड कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी हुई? अगेन यू आर रॉन्ग, इट्स योर डायरेक्ट इनकम, इट्स नॉट योर टोटल मंथली इनकम. यू आर वेरी गुड, आई लाइक दिस. कैन यू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन? यस. अच्छा उन लोगों ने ताली बजाई जिन्होंने बोला, ठीक है. चलो योर पैसिव इनकम, नाउ दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ पीपल को अंडरस्टैंड करो कि कितने हैं आरएम में. सो सर नाउ यू सी दैट आरएम के नीचे 28 लोग हैं, बीएम के नीचे सिर्फ 9 लोग थे, एक बीएम के नीचे. आरएम के नीचे 28 लोग हैं, तो उन 28 लोगों के 2 लाख के बिजनेस से 5% उसको पैसिव इनकम मिलेगी, यानी 2,80,000 तो उसको पैसिव इनकम मिलेगी. अगर वो काम नहीं भी करे, अगर सिर्फ उसके नीचे वाले काम ही करे, तो भी वो घर बैठे उसको 2,80,000 इज दी पैसिव इनकम विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्किंग. नाउ यू अंडरस्टैंड हियर द टोटल मंथली इनकम बिकम्स 6,96,000 प्लस 2,80,000 व्हिच इज 9,76,000 पर मंथ with only 4% conversions, which means only 8 closures in a month, only 2 closures in a week out of 200 leads which you are generating. Understanding the profits, once again, let us quickly revise per month profits. EC level pe 1.92 lakhs, BM level pe 4.4 lakhs, RM level pe 9.76 lakhs. This is just a revision. Alright, now you see the per year profits. Multiply by 12, 23.04 lakhs, 52.8 lakhs, Now only during the entire presentation I asked everyone to clap for me just once, which is RM pay. You see, I told you, you can earn a profit of more than 1 crore rupees within the very first year of your association with this industry. The numbers are in front of you. I don't believe in abstract data, it has to be numbers. So that's what you get at the RM level. A profit of 1 crore 17 lakhs. This is with just bare minimum conversion of 4%.
यू कांट यू डोंट हैव टू स्टॉप एट जस्ट 4%, ये तो बेयर मिनिमम मान के रखा है हमने। पोजीशंस ध्यान रख लीजिए, पोजीशंस पे आई कांट हेल्प एनीबॉडी ऑन दिस बिकॉज़ ये 1 टू 160 रहती है, ये फिक्स्ड है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। सॉरी सर, यू कैन कीप मोर पीपल एज एम्प्लॉइज अंडर यू, बट द ओनली थिंग विल बी दैट यू विल हैव टू पे देम। सो व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, लेट्स से अगर आप बोलते हो कि मेरे पास, मेरे को 5 एम्प्लॉइज 1,00,000 रुपए में मेरे आ जाते हैं, तो 5 एम्प्लॉइज में मतलब आपको देना कितना पड़ा, 20,000 रुपए। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं 3 एम्प्लॉइज ही रखूं, यू नो कि 30,000 रुपए, सो दैट इज योर चॉइस। ये बेयर मिनिमम नंबर था कि मिनिमम आपको 2, हां या दैट्स एट योर डिस्क्रिप्शन, दैट्स एट योर डिस्क्रिप्शन या दैट्स अ मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट वी हैव सेट, बट इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन। Okay, so how to start now? That's the question.